कुछ कारण के वजह से हम पिछले बार पीछे रह गए हैं, इस बार हमें समर्थन मिला है सभी लोगों का जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, राजद और कांग्रेस के, मैं उन्हीं के समर्थन में हूँ और इस बार कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट से विजय हूँ। एक बार जब कोई खड़ा होता है और वो हार जाता है तो वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, उसके मन में निराशा बैठ जाती है और वो हिम्मत जल्दी नहीं करता है फिर से खड़ा होने की, तो इतनी सारी हिम्मत आपको कहाँ से मिली? जैसे कि कोई एक बिच्छा का पैर टूट जाए तो वो चलना नहीं छोड़ देता, वो आगे कोशिश करता है, इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज की सेवा करें। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे KV स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। तो मैं अभी आई हुई हूँ बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत बेगमसराय रानी 2 पंचायत में। तो यहाँ पे जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में जो खड़ी हुई हैं उनका आज नॉमिनेशन था और साथ ही इनसे पहले भी वो खड़ी हुई थी, और इनके बारे में जैसा कि मुझे मालूम हुआ यहाँ के स्थानीय लोगों से, इनसे पहले जब वो खड़ी हुई थी तो कुछ कारणवश हार गई थी, तो इस बार फिर से मैदान में आई हैं कि अगर वो जीतती हैं इस बार तो क्या सब काम विकास का करेगी। और जिला परिषद का क्षेत्र आप सभी को पता है बहुत बड़ा होता है, एक महिला को इतना हिम्मत कहाँ से आया, आखिरकार उनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। आइए उनसे ही मिलते हैं और जानते हैं उनसे ही। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका हमारे KV स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। मेरा नाम किरण देवी है, मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 से हूँ। मैं पिछले बार खड़ी हुई थी जो 6000 कुछ वोट थे हमारे, कुछ कारण के वजह से हम पिछले बार पीछे रह गए हैं, इस बार हमें समर्थन मिला है सभी लोगों का जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, राजद और कांग्रेस के, मैं उन्हीं के समर्थन में हूँ और इस बार कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट से विजय हूँ। एक बार जब कोई खड़ा होता है और वो हार जाता है तो वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, उसके मन में निराशा बैठ जाती है और वो हिम्मत जल्दी नहीं करता है फिर से खड़ा होने की, तो इतनी सारी हिम्मत आपको कहाँ से मिली? जैसे कि कोई एक बिच्छा का पैर टूट जाए तो वो चलना नहीं छोड़ देता, वो आगे कोशिश करता है, इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज की सेवा करें। आप लेडीज हैं, उसमें भी हाउसवाइफ हैं, आपको घर संभालना पड़ता होगा, साथ ही साथ बच्चे परिवार, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं लेडीज पे, तो और इसके साथ आप मैदान में इस बार आई हैं जिसे राजनीतिक भी कहते हैं हम लोग, तो इसमें आप कैसे दोनों को मैनेज कीजिएगा, कैसे समय निकाल पाइएगा यहाँ के जनप्रतिनिधि के लिए, जिनको जो समस्या होगी वो सुनिएगा, उसे दूर करने की कोशिश कीजिएगा? जितना हमसे हो पाएगा अपने घर परिवार के साथ साथ हम अपने जनता की भी सेवा करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरे परिवार में सभी मेरे साथ हैं, मेरे परिवार में मेरे ससुर स्वर्गीय रामचरित्र राम जी थे जो पिछले बार हमारे साथ थे, इस बार नहीं है, इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ वो हमारे गार्जियन बनकर हमें समर्थन करें, हमें विजय बनावे और सेवा करने का मौका दें। राजनीतिक में आने का आपने मन कब से और कैसे बनाया? मेरे जब से ससुर जी थे स्वर्गीय रामचरित्र राम जी, उन्हीं ने ये बोला कि हमें इन बहू को समाज सेवा के लिए खड़ा करना, घर के साथ साथ हम समाज की भी सेवा कर सकें। मैडम, जिला परिषद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, आप अपने परिषद क्षेत्र के अंदर जितने भी पंचायत आते हैं उन सभी के लिए कैसे समय निकाल पाइएगा? उसी में से हम समय निकालेंगे अपने सभी समाज की सेवा के लिए और अपनी विकास उतना ही करेंगे जब जितना अभी सभी मिलकर हमें समर्थन कर रहे हैं। आपके पंचायत में जितने भी घर विहीन लोग हैं या घर विहीन परिवार हैं उन्हें घर दिलाने और साथ साथ बनवाने हेतु आपके क्या प्रयास होंगे? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी जनता हमेशा हमसे खुश रहे, और इससे आगे क्या कहेंगे हम, हमारी जनता हमसे खुश रहे। बिल्कुल, इससे बढ़ के कुछ होता भी नहीं है। किसान के लिए सामुदायिक पंप सेट लगते हैं
उन्हें लगाने के लिए आपके प्रयास को मैं जानना चाहूँगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपनी जनता की सेवा के लिए मैं वो पंप हर एक चीज़ जो उपलब्ध हो वो सब मैं करने के लिए तैयार रहूँगी। जब हमारा जीत हो पक्का उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे ना। आप जो इस बार मैदान में उतरी हैं तो आपने अपने पंचायत में बहुत कुछ देखा होगा और बहुत कुछ यहाँ की जनता भी आपसे शेयर की होगी, तो आपने विकास के लिए क्या क्या सोच रखा आप अपने पंचायत के लिए, पंचायत वासियों के लिए, थोड़ा सा ये बताइए। वो तो जीतने के बाद ही पता चलेगा ना। हमारे हित में जो भी आएगा हमारे पंचायत के लिए मैं वो सब करूँगी, उससे बढ़ चढ़ के भी करूँगी। जैसे कि हमारे पंचायत में जो कमी है उस कमी को भी मैं पूरा करने के लिए एकदम पूरा रहूँगी। आप एक लेडीज हैं तो स्वाभाविक सी बात है सबसे पहले आप इस पंचायत के जितने भी महिला लोग होंगी, लेडीज लोग होंगे, उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, उनको सहयोग दीजिएगा। तो लेडीज को आगे बढ़ाने के लिए जैसे आप आज आगे आए, इसके पीछे आपके परिवार वाले का हाथ था, तो वैसे ही लेडीज को आगे बढ़ाने के लिए समाज में उनका भी एक अलग पहचान हो, उनकी एक अलग छवि हो, उन्हें यह काम दिलाने हेतु आपके क्या प्रयास होंगे आने वाले समय में? आपने भी सोच रखा होगा कि मैं भी एक लेडीज हूँ, मुझे जब इतना सपोर्ट मिला तब आज मैं भी खुल के मैदान में आई हूँ। बहुत सारी लेडीज हैं, उनके साथ बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, उनको घर से भी निकलने के लिए पूछना पड़ता है या सोचना पड़ता है, तो इन सभी को बदलने के लिए या उन्हें काम दिलाने हेतु, एक पहचान दिलाने हेतु आपके क्या प्रयास होंगे? मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जितने भी मेरे पीछे मेरी बहन माँ जितने भी हैं सभी को मैं आगे लाऊंगी उनको, और ये पूरा आज़ादी दिलवाऊंगी कि जैसे कि मैं इस मैदान में आई, हमारे सपोर्ट में पूरे मेरी माँ बहन सब है, इसी पे मैं सभी को यही कहूंगी कि जिस तरह से मैं आगे निकल गई हूँ उसी तरह से उन लोगों से भी ये अपील करूँगी कि वो आए और इसी तरह से पंचायत में अपना पूरा अपना अथी करें। अच्छा, आपके आदर्श कौन हैं? मेरे हस्बैंड जी अविनाश कुमार जी हैं, और मैं चाहूँगी शिक्षा और आदर्श दोनों को आगे रखूँ। आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी अगर आप जीतते हैं तो इस पंचायत वासियों के लिए? इस पंचायत वासियों के लिए जो होगा हमसे, जो हमारे अपील में आएगा वो सब मैं करूँगी, और जो न भी है वो भी करने की कोशिश करूँगी। शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारा यही अथी है। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इसे बेहतर और बेहतर बनाने के लिए अपने अपने पंचायत में आप क्या क्या प्रयास करेंगी? मैं पूरा प्रयास करूंगी कि शिक्षा खुल कर हो पूरा पंचायत में, हमारे जितने भी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो सभी स्कूल जाएं, और हमारे गांव में बड़ा सा एकदम अच्छा सा हॉस्पिटल हो जो स्वस्थ हमेशा हमारे बच्चे रहें, और आगे हमारा पंचायत सबसे आगे होना चाहिए। आपके पंचायत के जितने भी पंचायतवासी अभी केवी स्टूडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनसे यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमें साथ दिया उसी तरह से आगे भी हमें साथ दें। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि केवी स्टूडियो का यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारा साथ दिया, और इसके बदले मैं हमेशा उनके आभारी रहूंगी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आज आपका नॉमिनेशन हुआ है उसके लिए हमारी टीम की तरफ से ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए, आज का था यही प्रोग्राम। उम्मीद करूंगी आप सभी दर्शकों को भी पसंद आया होगा। जो भी हमारे चैनल सभी नए जुड़े हुए हैं मैं उनसे अपील करूंगी हमारा चैनल जो कि केवी टीवी बिहार और डॉक्टर अश्वन का, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। अब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।